केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का एक दिवसीय हिमाचल दौरा, शिमला में युवाओं से संवाद कार्यक्रम में लिया भाग, हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का किया आह्वान। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दूरदर्शन केंद्र शिमला का किया दौरा, कार्यों की व्यवस्था जांचकर कर्मचारियों से की कई विषयों पर बातचीत। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शिमला में, विधानसभा परिसर में आयोजित हुई सर्वदलीय बैठक, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सभी दलों से की सहयोग की अपील, 13 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र। भाजपा के पूर्व सांसद व पूर्व विधायक बालक राम कश्यप की पुत्रवधु उर्मिला कश्यप ने थामा कांग्रेस का दामन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दिलाई सदस्यता। कांग्रेस ने प्रदेश के सभी जिलों में किया पदयात्रा का शुभारंभ, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने शिमला से पदयात्रा को दिखाई हरी झंडी, 9 से 15 अगस्त तक होगा यात्रा का संचालन। राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैग के बाद की नॉन वावन प्लास्टिक बैग को बंद करने की तैयारी, सरकार ने थोक व्यापारियों और कारोबारियों को इन बैगों का स्टॉक निकालने के लिए दिया 4 महीने का समय। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार को अस्पताल से मिली छुट्टी, 4 अगस्त को सांस लेने में दिक्कत के चलते विवेकानंद अस्पताल में हुए थे भर्ती। प्रदेश में रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर तैयारियां जोरों पर, बाजारों में राखी खरीदने को लेकर उमड़ी महिलाओं की भीड़।